कैसा दिन गुजरा तुम्हारा? बहुत थका देने वाला। कल ताई को साथ लेके जाऊंगा, वो कुछ टेस्ट लेंगे, फिर फैसला करेंगे किसे कौन से क्लास में बिठाना है। बड़े खान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बाबा जान। मुझे इस घर के लिए एक और वारिस चाहिए। मैं समझा नहीं आपकी बात। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मैं चाहता हूँ तुम हमें फिर से दादा बना दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा जिस पर तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। मुझे बस पोता चाहिए तो चाहिए। जब मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ तो तुम्हें भी मेरा हुक्म मानना होगा। भोजन प्लीज, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, अभी इसी वक्त इसे अपने निकाह से आज़ाद करो। मैं जिमिन को बोल देता हूँ कि वो इससे निकाह कर ले। मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर मानेगा। बाबा जान। क्यों जिमिन, तुम करोगे ना इस लड़की से शादी? बाबा जान, आपने कहा था कि ताई मेरी भाभी है। छोटा खान, अपने कमरे में जाओ और वापस भाई ना आना। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। सिर्फ दो माह खान, इसके बाद मुझे खुशखबरी ही चाहिए। मैं कैसे इसकी मासूमियत को छीन लूं अम्मा जान? अभी वो 12 साल की है। इसका क्या कसूर है? कत्ल तो इसके बाप ने किया था, सजा तो उसे मिलनी चाहिए। इसे क्यों मिल रही है? मैं तो इसे बच्चा समझता हूँ, पर बाबा जान इससे बच्चा चाहते हैं। ये कैसी आजमाइश है? तुम जानते हो जोंको, तुम्हारे बाबा अहमद की मौत के बाद ऐसे हो गए हैं। अगर वो जिद कर रहे हैं तो वो इसे हर हाल में पूरा करेंगे। कुछ दिन गुजरने दो, वो ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेबी, ले आया? नहीं, देखिए इसको, बाबा जान के सामने भी इसने ऐसी इज्जत की होगी। जोंको पहले ही तबाह हुआ था, ताई ने भी उसको कसर नहीं छोड़ी। नहीं खान, मैंने बाबा जान से कुछ नहीं कहा। वो तो कल अक्सर आप ही के बेबी को उठाया था तो उन्होंने मुझे मारा। बाबा जान ने उन्हें डांटा और कहा आप बेबी लाएंगे। कहाँ है बेबी? मेरी जेब में है, आकर ले लो। हम किस जेब में? जल्दी बताए ना। दिमाग खराब है तुम्हारा, या जान बूझ कर सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने के तरीके ढूंढती हो? मैंने क्या किया खान, आप क्यों इस तरह मुझे बोल रहे हैं? देखो तो ऐसे बेबी की बात सबके सामने नहीं करते। तो फिर बेबी ला देना, मैं नहीं करूँगी सबके सामने बात, लेकिन जब बेबी लाएंगे तो सब देख ही लेंगे। मैं क्या करूँ तुम्हारा ते? अच्छा सुनो, कल तुम मेरे साथ जाओगी, तुम्हें एक स्कूल में दाखिल करवाना है जहाँ तुम पढ़ोगी। नहीं मैं नहीं जाऊँगी, टीचर मारेंगी। नहीं मारेंगे, और तुम स्कूल जा रही हो समझी? हाँ, अगर मैं स्कूल जाऊँगी तो आप मुझे बेबी ला कर देंगे ना? या खुदा, मैं कहाँ फंस गया हूँ? हम क्या हुआ, सर में दर्द है? देखो ते, जिस डॉक्टर से हम बेबी लाए हैं ना, अभी उनके पास बेबी है नहीं। जब उनके पास बेबी आ जाएगा हम तब जाकर ले आएंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास कब आएगा बेबी? वो तो मुझे भी नहीं पता। मैं इससे कहूँगा कि हमें जल्दी बेबी ला कर दे। अब तुम दोबारा बेबी का जिक्र नहीं करोगी, समझी? अच्छा जाओ मिन्नी, खाना लेकर करो, तब तो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतनी जोर से मारा है, सारा गाल सूख हो गया, लेकिन दर्द तो नहीं हुआ मारने पर। अब इस बेचारी को कौन ये बताए कि गाल मारने पर सूख नहीं हुआ, तो ब्लश कर रहा था। देखो, क्या पहना हुआ तुमने? अभी इसी वक्त कपड़े बदलो। हाँ, ये तो मुझे अम्मा जान ने दिया है। आज वो यूनिफॉर्म भी नहीं है ना, तो उन्होंने इसका ये पहन लो। देखिए कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो अभी इसी वक्त कपड़े बदलो, वरना घर पर ही रहना। अगर मुझसे बहस करने की कोशिश की तो मैं कोई बेबी नहीं ला कर दूंगा। तो जल्दी से कपड़े उठाकर वॉशरूम में भाग जाती है। इसको डांटने का भी अलग ही मजा है। वैसे है तो बहुत मासूम, मगर ये बेबी कहाँ से लाऊं? उफ, एक मिनट, मैं इसको कपड़े चेंज करने क्यों भेजा? अच्छी तो लग रही थी। चलो खैर, कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारी प्रिंसिपल है, और मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। अब मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम तैशा, नहीं तई खान है। अच्छा बेटा, अब आपका छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें हम फैसला करेंगे कि आपको कौन सी क्लास में बिठाना है। लेकिन अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो टेस्ट कैसे दूँ? वैसे भी मैं बस 5वीं तक पढ़ी हूँ। ये क्या चीज़ है? अच्छा बेटा, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी जो 5वीं तक आपने पढ़े हैं। ठीक है, पूछे सवाल, लेकिन एक शर्त पर। जी बोले। ये कि अगर मैं 10th में पास हो गई तो आप मुझे 8वीं क्लास में बिठाएंगी, वादा करें। लेकिन जोंको खान ने तो बताया था कि 6वीं क्लास में बिठाना है। खान की तो आप बात ही मत करें, वो तो मुझे आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। मैंने बाबा जान से पूछा था, इन्होंने कहा था जिस क्लास में चाहे बैठ सकती हो। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये हमारे कॉलेज के खिलाफ है। ठीक है, मैं अपने बाबा जान को बताऊंगी कि आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर आपको डांटेंगे।
प्रिंसिपल हैरा सताई को देख रही थी जो उसे 12 साल की होकर ब्लैकमेल कर रही। प्रिंसिपल जानती थी दिलावर खान को, इसलिए वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई। रिपीटा, मैंने आपको क्या कहा? झूठ बोलना बुरी बात है सान जी, अभी तो आपने मुझे गुस्से से देखा है। चले छोड़े, अच्छा ये बताएं, इम्तिहान के बाद मुझे 8वीं क्लास में बिठाएंगी ना? ठीक है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर तुम पास हो गई तो मैं तुम्हें 5वीं जमात में बिठाऊंगी, वरना। जी ठीक है, सवाल पूछें। पहला सवाल, बहरे इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहरे इंसान को सुनाई नहीं देता उस्तानी जी, फिर इसे जो मर्जी कह लो, इसे कौन सा सुनना है? इसे डफ कहते हैं। ये कैसा नाम है? अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायद-ए-आज़म। अच्छा चलो ये बताओ कि रमज़ान के महीने में कितने अशरे होते हैं? 3 अशरे होते हैं, अम्मी ने बताया था, पहला रहमत का, दूसरा मगफरत का और तीसरा बख्शिश का। अच्छा अब एक सवाल साइंस का, ये बताओ इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने कौन सा इनकी गिनती की हुई है। हाँ आज घर जाकर खान की हड्डियों की गिनती करूंगी। तय खान, इंसानी जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं। आपको कैसे पता कि इंसानी जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं? आपने गिनती की है? नहीं मैंने नहीं की। अगर आपने गिनती नहीं की तो फिर आपको कैसे पता कि इंसानी जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं? आज मैं घर जाकर गिनती करूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं। इकराम साहब, आप इन्हें मिस शास्ता की क्लास में छोड़ आएं। और तय, मैं आपको 8वीं क्लास में दाखिल कर रही हूँ, लेकिन वादा करो कि आप दिल लगा कर पढ़ोगी। मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगी टीचर। मैडम ये बहुत सही है, इस पर बस थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है और ये निखर के सामने आएगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये कौन सा तरीका सलाम करने का? वो आज तुम 12 साल भाभी के साथ आए होगे ना, तो खुशी में कुछ मालूम नहीं रहा कि सलाम कैसे किया जाता है। वैसे सफ़र तो काफ़ी खुशगवार नहीं रोमांटिक रहा होगा ना? वरना तुम्हारी ज़ुबान भी तुम्हारी भाभी जैसी चलती है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे भाभी को नहीं तुम्हें बनी किया गया? सच में मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, अपनी उल्टी सीधी बातों से मुझे शर्मिंदा करती रहती है सबके सामने। वैसे ऐसी कौन सी बातें कर दी 12 साल भाभी ने जो जंग दिलावर खान शर्मिंदा हो गए? ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल बातें बताऊंगा, और कितनी बार बोला है कि भाभी बोला कर। वैसे तेरे और 12 साल भाभी के दरमियान भी कुछ पर्सनल है। आ ज़ालिम, कभी इस इंसान सुधर जाओ, वरना बहुत तरीके हैं मेरे पास तुम जैसे बिगड़े हुए रईसज़ादों को सुधारने के। मेरे बच्चे की शादी जब तक मैं देख लूँ सुधरने वाला नहीं हूँ। कमीने इंसान, तो वक्त ही ज़ाया हो जाएगा किसी दिन मेरे हाथों से। अब चल क्लास में और अपनी ज़ुबान को ऐसी लगा लेना, वरना आज तेरी वो धुलाई करूँगा कि सर्फ एक्सेल भी शर्मिंदा हो जाएगा। कैसा दिन गुजरा तय खान? ठीक क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, टीचर ने मारा है? मुझे बताओ, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। मैं ही जाऊँगी स्कूल। लेकिन हुआ क्या है? वहाँ एक लड़की थी मेरी क्लास की, इसने मुझे गाली दी। कौन सी लड़की और क्या कहा इसने तुम्हें? इसका नाम रिशा है, इसने मुझे पागल कहा। अच्छा अब चुप हो जाओ, मैं कल तुम्हारी टीचर से बात करूंगा, अब रोना बंद करो। अब करेंगे ना बात उस्तानी से? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? घर चले, मुझे भूख लग रही है। पूरे रास्ते जोंगो के चेहरे पे एक मुस्कुराहट रही। उसे पता था कि ताई की मासूमियत जान ले हुआ है, और वो भी कत्ल होने के लिए तैयार था। रात को सब खाना खा रहे थे। तो स्कूल कैसा था और इम्तिहान कैसा रहा तुम्हारा? स्कूल तो अच्छा था, इम्तिहान भी मैंने पास कर लिया, इसीलिए तो टीचर ने मुझे 8वीं क्लास में रखा है। क्या ऐसा कौन सा तीर मारा जो तुम्हें टीचर ने 8वीं क्लास में बिठा दिया? तीर तो नहीं मारा था, और वैसे भी वो कहाँ बिठा रही थी? मुझे सब बताओ तय, वहाँ क्या हुआ था और तुमने टीचर से क्या कहा था? मैंने बस इतना कहा था कि अगर उन्होंने मुझे 8वीं क्लास में नहीं बिठाया तो मैं बाबा जान को बताऊंगी, फिर वो आपको डांटेंगे। हाँ? तुमने प्रिंसिपल को ब्लैकमेल किया था? मैंने किसी को कुछ नहीं किया था, आप टीचर से पूछ लेना, मैंने तो उनको हाथ भी नहीं लगाया था। मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगा, तुम 6वीं क्लास में बैठोगी और टीचर से माफी भी मांगोगी। बाबा जान, मैं 8वीं क्लास में बैठूंगी, आप बोले ना खान को। खान, हमारी बेटी जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, अब इस बात को खत्म करते हैं, और तय किसी से माफी नहीं मांगेगी। मुझे तो लगता है ये कब्जा माफिया की लीडर बनेगी। जल्दी चलो स्कूल के, देर हो जाएगी। खान आपसे एक बात पूछूं? मेरे ना कहने पर कौन सा तुम नहीं पूछोगी, इसलिए पूछ लो। खान आपके जिस्म में कितनी हड्डियां हैं? जितने तुम्हारे जिस्म में, मतलब 206। खान मैं तो आपसे छोटी हूँ, फिर मेरे जिस्म में इतनी हड्डियां कैसे आ गई?
देखो तो इंसान छोटा हो या बड़ा 206 हड्डियां ही होती हैं। हाँ मैं तो आपसे छोटी हूँ ना। हाँ तो सब कहते हैं आप मेरे शौहर हैं, लेकिन आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं। मेरे पापा भी मम्मा से बड़े नहीं थे, पर अम्मा जान भी बाबा जान जितने ही हैं। और चुप हो जो तई, बेटों के सवालों को लाते कहाँ से हो तुम? अब मुझे आवाज ना आए, समझी? या अल्लाह, इस लड़की के दिमाग में जितने पुर्जे ढीले हैं सख्ती से जोड़ दे, वरना मुझे लगता है मैं पागलखाने की दीवारों में टकरे मारता फिरूंगा। लगता बीवी नाराज हो गई है। चलो जंको खान, अब कॉलेज से वापसी पर बीवी को मनाने का तरीका सोचते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तई खान। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। मुझे पता है मैं बहुत प्यारी हूँ, मम्मी भी यही कहती हैं। मेरी छोटी बहन भी मुझसे लड़ती है कि मैं इससे ज्यादा प्यारी हूँ। अच्छा बस बस, तुम वाकई बहुत प्यारी हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लेकिन मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मेरा नाम जोहा है, सब मुझे प्यार से जोई कहते हैं। तुम भी मुझे जोई कह सकती हो। लेकिन मुझे तो तुमसे प्यार नहीं है, फिर मैं तुम्हें इस नाम से क्यों बुलाऊं? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बनाओगी? ठीक है, आज से तुम मेरी तीसरे नंबर वाली दोस्त। इससे पहले कि ताई कुछ और बोलती, टीचर क्लास में आ गई। गुड आफ्टरनून टीचर। ये कौन सी टीचर है, कल तो नजर नहीं आई थी। ये हमारी रियाजी की टीचर है, कल छुट्टी पड़ती आ जाएंगे। अच्छा, काले रंग के कपड़े वाली लड़की, आप खड़े हो जाएं। क्यों स्थानी जी, नहीं आई हो क्या? जी कल आई थी। नाम क्या है तुम्हारा और पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? मेरा नाम तई खान है और मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल का नाम क्या था? नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ रास्ते में एक नहर आती थी जहाँ से बाबा रोज मुझे साइकिल पर बिठा कर स्कूल छोड़ने जाते थे। मैं हमेशा अगले झंडे पर बैठा करती थी क्योंकि मुझे पीछे बैठते हुए डर लगता था। और शट अप, बस करो जाहिल, जितना पूछा जाए उतना बताओ। अब बैठो और कल से स्कूल की यूनिफॉर्म में नजर आओ, वरना क्लास में मत आना। तो दिन कैसा गुजरा आज का? ठीक। तो स्कूल में कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो रो क्यों रही हो? मुझे अम्मी अबू के पास जाना है। वो अल्लाह के पास है ना खान, तो मुझे भी वहीं जाना है। तई तई मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, मुझे उनके पास जाना है। मेरी बात सुनो तई, तुम्हारे अम्मी अबू गांव में ही हैं, लेकिन वो तुमसे तब मिलेंगे जब तुम पढ़ लिख कर इनका नाम रोशन करोगी। वो चाहते हैं कि तई बहुत सारा पढ़े, अच्छे से डॉक्टर बने। मुझे नहीं बनना डॉक्टर। अच्छा ना बनो, लेकिन ये बताओ कि स्कूल में किसी ने कुछ कहा है क्या, कुछ हुआ है? हाँ, जाहिल किसे कहते हैं? तुम क्यों पूछ रही हो, क्या किसी ने तुम्हें जाहिल कहा है? नहीं, आप मुझे मतलब बताएं पहले। जाहिल का मतलब ये है कि जिसे ये नहीं पता होता कि कब क्या बात करनी है, छोटी सी बात पर लड़ना शुरू कर दे सबसे बदतमीजी, जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसे इल्म और अकल का मायने ना पता हो। अब सच बताओ क्यों पूछा है? आज मुझे टीचर ने जाहिल कहा। खान, मैं तो बदतमीजी नहीं करती, सबकी बात मानती हूँ। खान, आपको पता, इन्होंने सारी क्लास के सामने गुस्सा किया। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मेरे आंसू खुद ही निकलना शुरू हो गए। कौन सी टीचर थी? रियाजी की, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल जाऊँगा। अब रोना बंद करो और जो भी हो मुझे सब बताया करो। वो पहले ही बिरयानी की दो प्लेटें और एक खीर का प्याला खा चुकी थी, लेकिन सब्जी वाली रोटी पिज्जा देखकर उसे फिर भूख लग गई। तुम रोज इतना ही खाती हो या आज मैं तुम्हें इतना खाते हुए देख रहा हूँ? वो जब से कॉलेज से आया था तब से ताई को कुछ ना कुछ खाते हुए देख रहा था। आपके बाप का खाते तो मेरे नवाले गिन रहे हैं। ताई अपने खाने के बारे में तोहिन बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए इसने जंकू को बोला, लेकिन जब इसने जंकू को गुस्से से देखते हुए देखा तो उसे समझ आ गई कि इसने कुछ गलत बोल दिया। ओके ओके, घूरे नहीं, आपके बाप का ही खाती हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं इनको भी। तुमको ज्यादा नहीं बोलने लग गई हो? अगर ये गुस्सा आप पिज्जा खाने के लिए कर रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं सिर्फ आपको एक आधा पीस ही दूंगी, वो भी इस शर्ट पर कि कल आप मुझे पे भी ला कर दोगे। मुझे लगा था ये स्कूल जाने के बाद बेबी भूल जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो वही की वही है। उफ तौबा, मैं क्या करूँ।